अब ऐसे बहुत कम कंप्लेंट्स आने लगे हैं और लोग जो है ऑलमोस्ट इसके बारे में अवेयर भी हो गए कि कौन से रेड कैटेगरी हॉस्पिटल है, कौन से येलो कैटेगरी हॉस्पिटल है और कौन से ग्रीन कैटेगरी हॉस्पिटल है। सर, अभी भी अपने आप में सर जांचें बहुत कम हो पा रही है, सर इस बारे में क्या बोलना? नहीं, लगातार जांच जो है हो रही है, टीम्स जो है लगातार गठित हो गई है और जितने भी अपनी टीम से वो लगातार सैंपलिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। येलो कैटेगरी हॉस्पिटल्स में भी सैंपलिंग हो रही है लगातार और तीन अलग अलग तरीके से पूरी सैंपलिंग जो है वो लगातार हो रही है। अब एक नया टेस्टिंग मशीन भी आने की बात हो गई है, उससे क्या है और सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स आने की जो है वो और तेजी से बढ़ने की अपनी उम्मीद है। तो अगले दो तीन दिन में हम लोग और प्रगति जो है इसमें करने की संभावना है। क्योंकि सर किस तरह की स्थिति है अभी और कितने नए हॉस्पिटल कोविड के लिए बढ़ाए गए हैं और कितने बेड्स टोटल हो गए हैं? लगातार प्रशासन की यही पहल रही है कि जितनी भी अपने कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट्स हो या पॉजिटिव पेशेंट्स हो उन लोगों के लिए सुविधाएं जो है बढ़ाया जाए। उसी क्रम में अब एमटीएच को भी हम लोग टोटली रेड और रेड कैटेगरी हॉस्पिटल में लिया हुआ है। एमटीएच में 300 प्लस 40 आईसीयू बेड्स होंगे और 300 आइसोलेशन बेड्स की टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑलरेडी एमटीएच में पेशेंट्स भर्ती होने लगे हैं और आज और होने की संभावना है। एमटीएच में लगातार ये देखा जा रहा है कि वेंटिलेटर्स की सुविधा भी वहां पे उपलब्ध कराई गई, बाईपैप और बाकी चीज भी उपलब्ध कराई गई, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई। अपनी डीन एमजीएम ने अच्छी उसमें पहल करते हुए पूरी अपनी डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई और प्रशासन की ये लगातार सतर्क मॉनिटरिंग में वो चलते हुए एमटीएच को शुरू करने में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सफल मान सकते हैं हम लोग। और इसके तहत हम लोग ये देख सकते हैं कि रेड कैटेगरी पेशेंट्स को एक और अब आज के डेट में ऑप्शन मिल गई है किसी को भेजने के लिए, वहां पे किसी को भर्ती होने के लिए। सर, कॉल सेंटर की क्या स्थिति है? सर कॉल सेंटर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था लगभग 100 कॉल्स पर डे के हिसाब से एवरेज में कॉल्स आ रहे थे, आज के डेट में एवरेज कॉल्स जो है लगभग 50 हो रहे हैं। और पहले हम लोगों को लगातार ये कॉल्स आ रहे थे कि ग्रीन कैटेगरी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को वो टाइम में भर्ती ना होने के बारे में या लोगों को अगर कोविड के कोई लक्षण है उसके बारे में बोलने के लिए बात आती थी। अब ऐसे बहुत कम कगार पे हैं जो कि उनकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है, इसलिए उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको सर 5-5, 7-7 दिन हो चुके हैं सर उनके टेस्टिंग किए हुए। नहीं, बेसिकली क्या है, जितने भी हम लोगों की क्षमता है, एमजीएम कॉलेज की क्षमता है, उस क्षमता से बढ़कर भी लोग वहां पे बढ़ चढ़कर अच्छे काम कर रहे हैं। अब क्या है, क्योंकि इंदौर में क्या है, सबसे ज्यादा सैंपल और पर मिलियन हम लोग बोल सकते हैं सैंपल ज्यादा लेने की ये हो गई होगी, तो थोड़ा वो सैंपल्स की पेंडेंसी बढ़ गई होगी। लेकिन कल डीन मैडम से हम लोगों की बात भी हुई, उसने प्रॉमिस किया था कि जितने भी येलो कैटेगरी हॉस्पिटल्स है उसको प्रायोरिटी से पूरा क्लियर करेंगे और उस प्रॉमिस के तहत बहुत सारे सैंपल्स की रिपोर्ट भी ऑलरेडी प्राप्त हो गई है, जिसकी वजह से येलो कैटेगरी हॉस्पिटल्स की जो पेंडेंसी हम लोग बोलते हैं बहुत कम भी हो गया है। तो ये लगातार प्रयास है, जैसे आप लोग लगातार लोगों को इसके बारे में अवगत करा रहे हो, हम लोग भी इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जितने कम हर्डल्स हो वो हर्डल्स को दूर करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।